बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। फॉर्मेंट्स में उत्तराम लोली आप देखना शुरू कर चुके हैं अंबेडकर पीपल्स वॉइस। आपको बता दें बिहार के अंदर विधानसभा के आने वाले दिनों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर जहां महाभारत पहले से ही यथावत जारी है, अलग अलग राजनीतिक पार्टियां यहां पर आरजेडी, जेडीयू, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, यानी कि तमाम पार्टियां यहां पर पहले से मौजूद है और अपनी सियासी जो गोटियां हैं वो फेंकने में लगे हुए हैं। तमाम राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी समीकरण बिठाने में कोशिश कर रहे हैं। उसी बीच भीम आर्मी की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया और भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने पार्टी बनाई थी आजाद समाज पार्टी, उनकी तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया और कहा कि आगे आने वाले दिनों में बिहार के विधानसभा चुनाव आजाद समाज पार्टी है वो चुनाव लड़ेगी। तो इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, भीम आर्मी की नई पार्टी आजाद समाज पार्टी भी अब आगे आने वाले दिनों में बिहार के विधानसभा चुनाव के अंदर चुनाव लड़ेगी। हमारे पर साहब काशीराम जी की जन्म जयंती के दिन आपको बता दें कि आजाद समाज पार्टी का गठन चंद्रशेखर आजाद ने किया था और उसके बाद से लगातार जो है कोरोना वायरस का कहर रहा, जिसके चलते किसी भी राज्य में चुनाव भी नहीं हुए और चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी का विस्तार भी नहीं कर पाए। लेकिन अब आपको बता दें कि बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि भीम आर्मी की नई पार्टी आजाद समाज पार्टी आगे आने वाले दिनों के अंदर बिहार के विधानसभा चुनाव के अंदर भाग लेगी। आपको बता दें कि बिहार में वर्तमान में बीजेपी की और नीतीश कुमार की पार्टी की गठबंधन की सरकार चल रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी के दौरान यहां पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी मजबूत है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी भी मौजूद है, जीतन राम बाजी की पार्टी यहां पर मौजूद है, बहुजन समाज पार्टी मौजूद है और कम्युनिस्ट पार्टियां हैं। इसके अलावा आपको बता दें उपेंद्र कुशवाहा सहित यहां पर बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, जिसमें खासतौर अगर हम बहुजन समाज की भी बात करें तो काफी सारी राजनीतिक दल है वो बिहार के गठन हुए हैं, जिसमें दलित समाज की बात करें तो जीतन राम मांझी ने भी पार्टी बनाकर जो है यहां पर मोर्चा खोल रहा है और उसी बीच भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने भी यहां पर पार्टी के तत्वाधान में मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। तो यानी कि अब बिहार की सत्ता किसके हाथ में आएगी, किस पार्टी के यहां पर मुख्यमंत्री बनेगा, सीएम बनेगा, ये अलग राजनीतिक है। लेकिन यहां पर अब राजनीतिक पार्टियों की संख्याओं में एक और पार्टी का इजाफा होते हुए आजाद समाज पार्टी ने यहां पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। चंद्रशेखर आजाद ने 15 मार्च को मानेवर साहब काशीराम जी की जयंती पर पार्टी का गठन किया था, लेकिन लगातार उनके पार्टी गठन के बाद कोरोना वायरस के कहर के कारण जो है लॉकडाउन लागू रहा और लॉकडाउन के कारण पूरे देश भर के अंदर आपको बता दें कि लॉकडाउन रहा, जिसके चलते चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी पूरी तरीके से विस्तार नहीं कर पाए। अब विधानसभा चुनाव में उतरकर अपनी पार्टी का ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। ब्लैंक इस नए वीडियो नए अपडेटों के साथ, तब तक आप चले तो विदा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको बता दें कि आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।